अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब बना रही हूँ आज आपके लिए दाल माश, जो कि बहुत से लोगों को बनानी बहुत मुश्किल लगती है। मैंने एक कप लिया है घी का, उसमें दो दाल डालें प्याज, इनको अच्छे से करूँगी ब्राउन। फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने दाल को पहले उबाल लिया था, ये जो वाइटनेस आपको नज़र आ रही है ये उसी की है। मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है। हल्का सा लगाऊंगी पानी और इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सुरख मिर्च का, हल्दी, मैंने घर की कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, हस्बे जरूर हल्दी ली है। टेस्ट के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर। अब मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी और हस्बे जरूर इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक को मैंने दाल में भी डाला था जब मैंने उसे बॉईल किया था, तो इसलिए आप मसाले में कम ही डालेंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी दाल जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। मैंने 3 हिस्सा दाल को बॉईल किया है, 1 हिस्सा छोड़ दिया है। जैसे कनी कनी सी होती है वैसे दाल को मैं 10 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। मैं इसमें ऐड करूंगी 4 अदरक कटे हुए टमाटर। तीन से 4 अदरक साबुत मिर्च और 1 अदरक कटा हुआ लेमन। एक गिलास मैंने इसमें ऐड किया है पानी। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक हिला के दम पे रखूँगी और 10 मिनट तक इसे पकने दूँगी। फिर मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया और पुदीना। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक हम सबके कानों में बरकत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।